रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा में, जिसमें आज हमारे साथ रेड बेल्ट कराटे एकेडमी की संस्थापक और निदेशक स्मृति शांगलू मौजूद हैं। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं स्मृति शांगलू, फाउंडर डायरेक्टर रेड बेल्ट कराते एकेडमी एंड सेक्रेटरी संगम डिस्ट्रिक्ट कराते डू एसोसिएशन। मैं यहाँ पे इलाहाबाद में हूँ, प्रयागराज में हूँ पिछले 21 सालों से, और 6 सालों से मैं ये कराते की एकेडमी चला रही हूँ यहाँ पे। मैम, आप कराटे चैंपियन हैं, लोगों को कराटे सिखाती हैं, तो आप कराटे को किस तरीके से देखती हैं? कराटे मेरे लिए तो मेरी सांस है, मेरा ब्लड है जी। और मैं इसको देखती हूँ एक ऐसी कला के रूप में जो कि किसी के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक अनुशासन का भाव लाता है, उसके बाद सुरक्षा का भाव लाता है, क्योंकि ये एक ऐसी कला है, ये एक खेल ना होकर एक कला के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर हम अपने लाइफ से रिलेटेड, अपनी जिंदगी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सीखते हैं, वो है सेल्फ डिफेंस। तो इसलिए कराते मेरे लिए एक जिंदगी का एक तरीका है, जीने का एक तरीका जी। मैम, हर इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं और उनको पूरा करने की लगन होती है, आपका क्या कुछ सपना रहा? मेरा सपना हमेशा से ये रहा था कि जो चीज मैंने सीखी है मार्शल आर्ट से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही यूनिक कला है जो कि हर लड़की नहीं सीखती है, माता पिता पेरेंट्स अपने बच्चों को, लड़कियों को सिंगिंग सिखाएंगे, डांस सिखाएंगे, आर्ट की क्लासेस भेजेंगे, बट बहुत कम माता पिता होते थे जिस समय मैं सीखती थी कि वो लड़कियों को कराते में या मार्शल आर्ट में भेजें। तो मैंने यही सीखा कि ये एक ऐसी चीज है जो लड़कियों के अंदर बहुत आत्मविश्वास भरती है और लड़कियों के अंदर एक सुरक्षा का भाव लाती है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक एकेडमी खोलनी चाहिए जिससे मैंने जो सीखा वह मैं लोगों तक कन्वे कर सकूं, मैं सिखा सकूं बच्चों को, लड़कियों को खास तौर से, क्योंकि हमारी सोसाइटी आज हम लोगों से छुपा नहीं है किस तरीके से ऐसी चीजें होती हैं हमारे समाज में लड़कियों के लिए, लड़कियों के खिलाफ। तो मैंने उनके अंदर विश्वास भरने के लिए मैंने अपने लाइफ का एक मकसद बनाया कि मैं जो विश्वास मेरे अंदर आया है इस कला को सीखकर, वो विश्वास मैं और लड़कियों को कन्वे करूं, उन्हें दूं। जी, जैसा मैम अभी आपने कहा कि लड़कियां कराटे नहीं सीखती हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं सीखने देते, तो इंसान की जिंदगी में हमेशा चुनौतियां आती रहती हैं। आप एक महिला हैं, तो आपके लिए क्या क्या चुनौतियां को आपको सामना करना पड़ा? आजकल का समय थोड़ा बदल गया है जी। ये मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ जब मैं सीखती थी, आज का टाइम थोड़ा बदल गया है। आज माता पिता चाहते हैं कि उनकी लड़कियां डांस या सिंगिंग के अलावा जो जिंदगी से जुड़ी ये चीज है, आत्मरक्षा के तरीके, वो सीखें। लेकिन फिर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमको जी। क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं सबसे बड़ी उनका सवाल होता है कि क्या मेरी बेटी इसको करते हुए सेफ रहेगी, क्योंकि ये एक कॉम्बैट की आर्ट है, लड़ने की कला है, तो इसमें स्वाभाविक है जब लड़ाई होती है तो चोटें भी लगती हैं। तो सबसे बड़ी हमको चुनौती का सामना करना पड़ता है इस चीज को सिखाते हुए कि हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे गार्ड्स यूज करते हैं ताकि बच्चों को चोट ना लगे।
लड़कियों को चोट ना लगे। सबसे पहले जब कोई माता पिता आते हैं तो उनका सवाल यही होता है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप घबराएं नहीं, हम इसका पूरा इंतजाम रखते हैं कि आपके बच्चों को चोट नहीं लगेगी बिल्कुल भी। फिर वो धीरे धीरे विश्वास बनाते हैं, फिर लाते हैं। आज भी लेकिन समाज में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अपनी लड़कियों को ये चीज नहीं सिखाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बच्चों को बच्चियों को चोट लग जाएगी। और आप सब समझ सकते हैं जो भी सुन रहे हैं ये बात, कि लड़कियों के लिए उनका बहुत ही अच्छा लगना और दिखना बहुत जरूरी होता है, और ये कला ऐसी है जिसमें चोट लगना स्वाभाविक है। तो मैं सबको यही समझाती हूँ कि आप इससे मत घबराएं, इसके लिए हम पूरे इंतजाम रखते हैं जिससे कि आपकी बच्चियों को चोट ना लगे कभी भी। मैम, हर एक इंसान का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, भी एक बेहतर कार्य कर रही हैं, लोगों को कराटे सिखा रही हैं, तो आपका कौन रहा प्रेरणा स्रोत या है अभी? सबसे पहले तो मैंने कराटे सीखना इसलिए शुरू किया क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल की, तब मैंने एक शो देखा था जी। लाइव शो देखा था कराटे का, जिसमें लड़कियां बहुत आसानी से लड़कों को टक्कर दे रही थी, उन्हें उठा उठा के पटक रही थी। मुझे बहुत फैसिनेटिंग सा लगा वो, तो फिर मैंने अपने घर में जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ये चीज़ मुझे भी सीखनी है। फिर मैंने उसको सीखना शुरू किया, मेरे अंदर एक चाह जागी कि मैं इसको सीखूं, ये क्या चीज़ है, ये ऐसा क्या है कि लोग गिर रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी टाइल्स तोड़ रहे हैं मगर उन्हें चोट नहीं लग रही है। उसके बाद मेरे पिता, वो एक एयरफोर्स पर्सन है, वो एक डिफेंस पर्सन है, तो उन्होंने जिंदगी में मुझे हमेशा निडर होकर जीना सिखाया, तो वो मेरे सबसे बड़ी प्रेरणा रहे। उन्होंने हमेशा ये चाहा कि मैं समाज में, जैसे पुरुष प्रधान समाज है, तो वहां पर मैं कंधे से कंधा मिलाकर चल सकूं, वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे। इस कला से जुड़ने के लिए उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि आप जाओ सीखो, तो सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी वो रहे। आज के दौर में लड़कियों के लिए कितना जरूरी मानती हैं आप कराटे को? आज के दौर में ही नहीं, आज से बीते हुए समय और आज से आने वाले समय के लिए भी ये बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए, क्योंकि समाज की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती है, बिगड़ती जा रही है, और लड़कियों को बहुत जरूरी हो गया है कि वो अपने डर से लड़ें, अपने डर से बाहर निकलें। समाज में जब वो निकलें, जब वो घर से निकलती हैं, जो भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं हमारी, छोटी छोटी बड़ी लड़कियां हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, ऑफिसेस जाती हैं, महिलाएं हैं, वो जब घर से निकलती हैं तो एक डर लेके निकलती हैं, माने या ना माने समाज, मगर वो लेके निकलती हैं। तो उस डर को काबू करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है इस कला को सीखना। अगर वो इसको सीखती हैं, अगर वो इसमें आती हैं, अगर वो अपने मन में विश्वास जगाती हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं समाज में अगर कोई भी चीज़ मेरे खिलाफ हो रही है तो मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने खिलाफ होने वाले कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, और ये कला हमको और सारी महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को यही चीज सिखाती है सबसे पहले कि आप अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अन्याय के लिए आवाज उठाइए, और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए कि आपको चुप नहीं रहना है। जैसा अभी आपने कहा कि लड़कियां सीखती हैं और जरूरी भी है आत्मरक्षा के लिए, तो जब वो सीखती हैं तो इसको लेकर उनके पेरेंट्स का क्या कुछ कहना रहता है? जब पेरेंट्स शुरू में अपनी बच्चियों को लेके आते हैं मेरी एकेडमी में, 4 साल 5 साल 6 साल इस उम्र से बच्चियां हैं, जब वो अपनी बच्चियों को लेके आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो इतनी छोटी बच्ची है उसको किसी चीज की समझ नहीं होती, तो उनके पेरेंट्स के मन में उन बच्चियों से ज्यादा डर होता है कि हम एक अपनी छोटी सी बच्ची को एक ऐसे माहौल में भेजने जा रहे हैं जहाँ पे नजाकत की कोई बात नहीं है, वहां पे लड़ना,
बचना ये सब सिखाया जाएगा। और कई घर ऐसे हैं आज भी हमारे समाज में जहां लड़कियों को बहुत दबा के रखा जाता है, तो उनके पेरेंट्स आके मुझसे ये बात करते हैं कि इनको घर में कोई छूट नहीं मिलती, इसलिए ये बच्चियां घबराती हैं बोलने से, बात करने से। 8 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, 12 साल की, वो घबराती हैं। समाज में अगर बाहर स्कूल जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, बात करने में डरती हैं। वही पेरेंट्स आके जब 6 महीने बाद मुझे ये बताते हैं कि मैम ये बच्चियां मतलब अब इनके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है, अब ये अगर कोई भी अवांछनीय स्थिति आती है इनके सामने, चाहे स्कूल में हो, चाहे ट्यूशन जा रही हूँ, चाहे रस्ते में हो, चाहे रस्ते में कोई लड़का छेड़ रहा हो, ये जवाब देती हैं उनको पलट के, चुप नहीं रहती। और कई कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कई बार पेरेंट्स ने आके मुझे ये बताया है कि मेरी बेटी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसे रस्ते में अगर किसी ने छेड़ा तो उसने उसे धूल चटा दी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने मुझे बताया है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटियां जब कुछ सीख लेती हैं ऐसा, जब वो समाज में अपने आप को इन सब चीज़ों के खिलाफ होने वाली उनके खिलाफ होने वाली कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात के लिए वो खड़ी होती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैम, कराटे सिखाने का आप एक बेहतरीन काम कर रही हैं, आज एक अच्छे मुकाम पर भी हैं, तो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन से संघर्ष करने पड़े या कौन सी बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने आई? जब मैंने ये सपना देखा कि मुझे एक एकेडमी कराटे की खोलनी चाहिए, तब मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई, क्योंकि मैं हर वो चीज़ वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल पे प्रोवाइड कराना चाहती थी अपने बच्चों को, अपने क्लास में आने वाले सारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा करना कि आप अपने बच्चियों को न केवल सिंगिंग या डांसिंग में डालिए, आप अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए भी प्रोत्साहित करिए। उसके लिए मैं बहुत सारे स्कूल्स में गई, मैंने वहाँ फ्री सेल्फ डिफेंस कैंप्स दिए, 5-5 दिनों के, 10-10 दिनों के, लोगों को समझाया। मुझे नहीं लगता कि प्रयागराज का कोई भी ऐसा स्कूल रहा होगा जहाँ मैंने 5 या 10 दिन के कैंप्स ना दिए हों। मैक्सिमम स्कूल्स को मैंने कवर किया, जागरूकता पैदा की उनके अंदर कि आप लोगों को अपनी बच्चियों को ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। धीरे धीरे करके लोग समझने लगे, धीरे धीरे करके 4 महीने 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में लोगों को ये समझ में आया कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ये सीखना चाहिए। और पेरेंट्स ने पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाया और फिर उन्होंने अपनी बच्चियों को सिखवाना शुरू किया। कई स्कूल्स में मैं गई, फिर स्कूल्स में लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया कि आप आके कैंप करिए ताकि बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को पता लगे। पहले मैं खुद गई, अब मुझे आज स्थिति ये है कि आज स्कूल खुद मुझे कॉल करके बुलाते हैं कि आप आके यहाँ पे कैंप दीजिए। तो ये चुनौती पार करके आज मैं इस स्थिति में हूँ कि आज मेरा एक नाम है यहाँ पे। अगर कराटे का नाम लिया जाता है तो स्मृति शांगलू का नाम लिया जाता है। मैम, अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पल बताएं जब आपको गर्व की अनुभूति हुई हो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप सिर्फ इस खेल और इस कला से रिलेटेड पूछेंगी तो मुझे गर्व की अनुभूति हर उस पल में होती है जब मेरे सिखाए हुए बच्चे, लड़कियां स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब पदक हासिल करते हैं, वो खुशी का जो पल होता है वो मैं किसी भी पल से मैं उसकी तुलना नहीं कर सकती। मुझे बहुत गर्व फील होता है, बहुत गर्व महसूस होता है जब वो बच्चे अपने हाथों में ट्रॉफी लेके, अपने गले में मेडल लेके आते हैं। जी मैम, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी बच्ची, लड़की, महिला
की शुरुआत घर से होती है। सबसे प्रथम उसके शिक्षक माता पिता होते हैं, और जब माता पिता उनको एक अच्छी राह दिखाते हैं, वो ये समझते हैं कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं है, वो उसके अंदर भरोसा दिलाते हैं, उसे डांटते नहीं हैं अगर वो आके किसी की शिकायत करती है, तो वो उसको उसकी बात को समझते हैं और फिर वो उसको ऐसी किसी क्लास में एडमिट करते हैं जहां से वो जिंदगी के कुछ ऐसी चीजों को सीखेगी जो उसको जिंदगी में काम आएगी। और लड़कियों के लिए और सभी बच्चियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सशक्त हैं, अपने आप को कभी निर्बल ना समझें। आपके अंदर के जो शक्ति है वो दुर्गा की शक्ति है, वो काली की शक्ति है, उसको कभी छोटा ना समझें। बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है और आप इस समाज में अपना वही मकाम पा सकते हैं जो एक पुरुष को समाज देता है। तो आप लोग कभी ना घबराएं, अपने सपनों को जिएं, और प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़की, प्रत्येक बच्ची किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई कॉम्बैट आर्ट, कॉम्बैट मार्शल आर्ट को जरूर सीखे, जो कि समाज में उसको सुरक्षा का भाव दिलाएगी और उसको सेल्फ डिफेंस के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद मैम आपका। तो ये थी हमारे साथ स्मृति शांगलू, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और देश का नाम रोशन किया है। आगे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।